उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रामनगर पहुंचे, जहां पर स्थानीय विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है, जिसके बाद उत्तराखंड की सक्रिय राजनीति के सवाल पर कहा कि बिना किसी पद पर रहकर पार्टी एवं जनता की सेवा करना चाहते हैं। मंच पर अपने इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक कार्यक्रम के संयोजक और इस कार्यक्रम की परसों से ही और इस आज रामनगर में मैं जब से राज्यपाल पद छोड़ा है तो अनेक लोगों का आग्रह था कि मुझे उन जगहों पर आना चाहिए, जगह जगह आना चाहिए। मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आया था, न कोई यहाँ पहले प्रोग्राम था। मुझे एक शादी के कार्यक्रम में, दो शादी कार्यक्रम में कोटाबाग और रामनगर आया था। हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने, कि आप थोड़ी देर हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आया और अपने इन सारे कार्यकर्ताओं को, जिनके बल पर आज प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उन सबको नमन करने के लिए यहाँ आया और उनको नमन करके और मुझे भी बुढ़ापे में थोड़ी सी ताकत आ गई है। पहले कह दिया है कि एक राज्यपाल के गिरफ्तार होने से कोई सभी राज्यपाल गिरफ्तार होने वाले नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को कोई गहराई से, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 2016 में बोल दिया था कि मैं 19 नहीं लड़ूंगा, आप थे उस मीटिंग में हल्द्वानी में, और ये भी कहा था कि मैं सामाजिक काम करना चाहूंगा। तो इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम था, उनको सामने मैंने कहा भी कि आपके स्नेह और विश्वास के कारण मैं राज्यपाल बना, वरना मेरा लक्ष्य था कि मैं बिना राजनीति के भी समाज की सेवा हो सकती है।